Hey everybody, welcome back to my channel, Rajbir Fitness Series. This is me, Rajbir Sishodia. And guys, मुंह से कोई बात निकलती है पकड़ लेते हैं। मैंने एक वीडियो में बोल दिया कि घर दिखा दूंगा, तो सारे लोगों के मैसेज भैया घर दिखा दीजिए, घर दिखा दीजिए, घर दिखा दीजिए। तो आज मैं आपको अपना छोटा सा घर दिखाने वाला हूँ। आधे लोगों को शो ऑफ लगेगा, तो बता दूँ वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ मेरे छोटे सारे छोटे भाइयों को, तो वीडियो एंड तक देखना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा वीडियो खोलो और कुछ सीख के ना जाओ, सीख के जाओगे कुछ, एंड तक वीडियो देखेगा। तो शुरू करूँगा, तो शुरू करते बिना देरी किए लेट्स गो। तो भाई शुरू करेंगे, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मेरे दादाजी का नाम, देन मेरे फादर का एड्रेस पे मैंने हाथ रख दिया है कि आधे लोग परेशान हो जाते हैं आने के चक्कर में। और 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर हैं। सो गाइज, दिस इज हाउ माई होम लुक्स लाइक। घर जो है मेरा, ये वाली जो शॉप है इसके अंदर शॉप है कारपेंटर की, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बंद है। फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता हूँ, सेकंड फ्लोर को हमने रेंट पे दिया हुआ है, थर्ड फ्लोर खाली है, फोर्थ फ्लोर खाली है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखता है मेरा घर। जो लोग कह रहे थे भैया घर दिखा दीजिए, और मेरा घर था पहले जो मैं रहता था ना, उस घर में रहता हूँ, मतलब अभी वो घर रेंट पर है। इधर जो ये सिसोदिया लिखा हुआ है, ये जो सिसोदिया लिखा हुआ है, ये कोचिंग था मेरे फादर का, और मतलब अभी भी है। अभी इसको रेंट पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रूम्स बने हुए हैं ये एज गोडाउन यूज़ होते हैं, रेंट पे दिया हुआ है पूरा। और इधर ये एक शॉप रेंट पर है, और ये है मेरा पुराना घर जिसमें हम रहते थे। अभी इसको भी रेंट पे दिया हुआ है, इसके अंदर दो फैमिलीज रहती हैं। तो इसके अंदर जब हम रहते थे तो क्या होता था, अभी ये भी लॉकडाउन की वजह से बंद है क्योंकि सारे जो रेंट पे रहते हैं वो घर गए हुए हैं। वो अब ब्लैक गेट दिख रहे हैं अंदर वहाँ, तो जब भी मैं रात को लेट आता था तो मम्मी को वहाँ से गेट खोल के ये लॉक खोल ले आना पड़ता था, बिकॉज लॉक का सिस्टम नहीं था। दैट्स वाई मुझे उधर जाने की जल्दी थी कि कब हम उधर शिफ्ट होंगे। और मेरे पास कीज़ का मैंने वैसा सिस्टम कराया है कि मैं रात को कभी भी आऊँ तो नीचे का गेट भी खोल सकता हूँ, ऊपर का भी। पार्किंग के लिए तो ये है हमारा बेसमेंट एरिया। आजकल क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, फादर मेरे टीचर है, आप लोगों को बता होगा, तो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। और ये गाड़ी याद होगी आप लोगों को नेक्सा में जो कलेश हुआ था, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। लाइव वीडियो बनाई थी, झगड़ा हो गया था छोटा सा, बड़ी गालियाँ निकली इस दिन मेरे मुँह से, बहुत गुस्सा आया। तो आधे सब्सक्राइबर्स तो डर ही गए थे कि सर आप इतनी गालियाँ भी देते हो, आप इतना गुस्सा करते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप देखिएगा एक बार, एक घंटे का एपिसोड है, अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा आपका। तो शुरू करेंगे, क्योंकि आधा घर अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो ये जो एरिया है ये है हमारा लिफ्ट के लिए, ये लिफ्ट का एरिया है। और ये मेरे पापा की स्प्लेंडर है, बिकॉज मेरे फादर कहते हैं कि सिंपलिसिटी में ज़िंदगी जियो, हमसे इतनी ज़्यादा सिंपलिसिटी में जी नहीं जाती। और इसके बाद ये जो एरिया है वहाँ पे आप गेट देख रहे होंगे, मैं यहाँ बॉल लगा के इसको अपना ऑफिस बनाने वाला हूँ। यहाँ पर गेट है, आप देख सकते हैं ये गेट होगा, यहाँ से निकल जाएंगे। और ये मेरा ऑफिस होने वाला है कि मैं अपने वीडियोज बना सकूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हारे भाई ने स्पेशली, मैंने कहा इतनी जगाया तो स्पेशली इसको यूज किया जाए। तो ये जो रूम है बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। ये जो रूम है ये है मेरा सब्सक्राइबर्स रूम। इसके अंदर एक मुझे एसी लगाना है, यहाँ पर अंदर एक बेड रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स भाई हैं बहुत बहुत दूर से मुझे मिलने आ जाते हैं, गुजरात से आते हैं जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो मुझे उनको होटल में रुकवाना पड़ा था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कोई इंसान इतनी दूर से मेरे पास आ रहा है इतने पैसे खर्च के और मैं उनको होटल में रुकवा रहा हूँ, तो बहुत अजीब लगा। अच्छा मैंने सोचा एक छोटी सी जगह अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर देगी, कोई बाहर से आ रहा है तो उसका रहने खाने का जुगाड़ मैं अपने पास करता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर, आप चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पर, लेट्स गो फर्स्ट फ्लोर दिखा रहा हूँ। ये तो हो गया पार्किंग की जगह हमारी, वो कुछ रेंट में जो लोग रहते हैं ऊपर उनकी बाइक्स खड़ी हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर, चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, आपको दिखाता हूँ काम। ये दो पोर्शन है, दिखाता हूँ आपको, इधर वॉशरूम है तुम्हारे लिए एंड दिस इज माई ड्रॉइंग रूम, यहाँ मैं वीडियोज बनाता हूँ, आपने देखा ही होगा, यहाँ बैठ के मैं वीडियोज बनाता हूँ। और ये मेरे दादाजी और ये मेरे नाना जी, उधर आप देख सकते हैं नाना जी की फोटो है। तो दोनों बुड्ढे काम के थे, जय जवान जय किसान। नाना जी अभी हैं, दादाजी अभी नहीं रहे, चले गए। और तो गाइस ये वाली फोटो दिख रही है जिसमें मैं और संजीव बैठे, इस पे आप बेडशीट देखो, मैं कोई 10 या 11 साल का हूँ।
एंड ये बेडशीट देखो आज तक यूज करती है मेरी मम्मी को पता नहीं इससे क्या प्यार है। अभी उधर से गालियां भी पकड़ी हैं, पता नहीं क्या प्यार है। 8 या 9 साल का था मैं, उससे भी पहले की बेडशीट है और आज तक यूज होती है। और यहाँ पर इस बेड को भी हटाने देती है, पता नहीं क्यों। मैंने बोला यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखेंगे कि इस पे मर लो, खाना खाना तो इस पे मर लो, ज्यादा शोशाबाजी की जरूरत नहीं है। तो मोम भी बहुत सिंपल है, डैड भी बहुत सिंपल है। अब दिखाता हूँ आप। तो ये रूम है मम्मी पापा का, वो रूम है संजीव का, इसमें पापा सोए हुए हैं, उसमें संजीव सोया हुआ है, वो गेस्ट रूम है, और ये मेरा रूम है। मेरा रूम दिखाता हूँ आपको। गाइस ये मेरा रूम, बहुत बड़ा नहीं है। और ये मेरी कबर्ड, इसमें मेरे लोअर टी शर्ट कपड़े होते हैं, वो मेरा वॉशरूम है। एंड इसके बाद ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। अभी क्या है, जैसे मैंने बताया क्योंकि अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करनी थी और कर नहीं पाए हैं। मुझे वॉलपेपर लगाना है शेर का मुंह मेरे बेड के पीछे, और इसका ये बेड का ये हेड भी चेंज करना है, लगाना है, और बहुत काम करना है। वो आपको दिख जाएगा जब वीडियोस बनाऊंगा, तो आप देख पाएंगे। अब दिखाता हूँ आपको मेरे रूम के बाहर की बैल्कनी। तो गाइज ये है बैल्कनी, जैसे आप देखते हो हमेशा मुझे वीडियोज बनाता हूँ मैं यहाँ बैठ के। यहाँ से संजीव का रूम है, और यहाँ पे प्यारी मम्मी चाय बना रही है और यहाँ पे सब्जियाँ और रूम सैनिटाइज हो रहे हैं। और यहाँ से दिखता है, जैसे मैंने आपको बताया, उधर ये आपको दिख रहा होगा जहाँ पे शिशोदिया लिखा हुआ है, इसमें कोचिंग चलता था पहले, यहीं पे पढ़ा हूँ मैं अभी अपने पापा से ट्यूशन। ये इसके अंदर अभी गोडाउन है 4, वो रेंट पर दिए हुए हैं। और उसके बगल में जो ब्लैक गेट दिख रहा है, हरी चादर दिख रही है ऊपर, वो छत से दिखाऊंगा अभी। उसमें 2 फैमिलीज रहती है रेंट पर, तो चलेंगे। अब पीछे वाला पोर्शन आपको दिखाता हूँ मैं, छोड़ दूँगा। तो गाइस ये मेरा किचन, आपने देखे होंगे वीडियोस बनाते हुए, बादाम का जो दूध मैंने बनाया था। प्यारी मम्मी पीछे चाय बना रही है मेरी, मैं कैमरे पे नहीं आ रही यार, बिकॉज़ सो के उठी हैं अभी तो यहाँ से हम चलते हैं। अब ये आ जाता है हमारा दूसरा पोर्शन, इसको हमने रेंट के लिए रखा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, किसी को रेंट के लिए चाहिए हो, 3 BHK है, आ सकते हैं बिल्कुल। और जैसे हमारा वो पोर्शन है, सेम वैसे ये पोर्शन है बेसिकली। तो हमने इसको इसलिए बनाया कि संजीव की शादी करानी है, तो अगर वो चाहे अलग से रहना, आप देखिए फैमिली में कुछ भी नहीं, खाली पड़ा है, तो रेंट पे भी दे सकते हैं, और ना भी कोई बड़ी बात नहीं। 3 रूम्स हैं, किचन है, बाथरूम है। तो ये हमारा पीछे का एरिया है, इसके अंदर अगर मैं चाहूँ अलग से रहना तो मैं भी रह सकता हूँ, संजीव चाहे तो संजीव भी रह सकता है। दोनों भाइयों के 2 पोर्शन अलग अलग डिवाइड कर दें फादर ने, कि कभी झगड़ा वगड़ा ना करें, आपस में घर में रहकर अलग अलग रहना, तो अलग अलग रह सकते हैं। वैसे हमें साथ में रहना सारी जिंदगी, तो इसमें तो शायद किसी को रेंट पे रहना पड़ेगा। आप चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर, लेट्स गो। तो भाई अब आ रहे हैं हमारे सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर क्या है, उधर एक अंकल रहते हैं मेरे, मलिक अंकल पापा की फ्रेंड है, इधर आंटी रहती है, मतलब 8-9 साल से ज्यादा ही से साथ है हमारे, पहले उधर वाले घर में रहती थी, अब इधर रहती है। आंटी आओ ना ये मेरी आंटी है, मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, 10-12 साल से मेरे साथ है, पहले घर वाले घर में भी हमारे साथ ही थी, अब हम इधर शिफ्ट हुए, तो उन्होंने कहा हमने आपके साथ ही रहना है, तो ये हमारे साथ यहाँ पे आ गई है। बगल वाले उसमें पापा के फ्रेंड है, और इसमें संजीव के कुछ ऑफिस के लड़के रहते हैं रेंट पर। तो ये इस तरह से डिजाइन है, ये 3 BHK है, आंटी की फैमिली छोटी है, ये 2 BHK और वो 3 BHK। तो भाई जब आ गए हम हमारे थर्ड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर अब देखो खंडर है, खाली पड़ा बिल्कुल। क्या हुआ, क्योंकि पापा इसको बनाने लगे, अच्छा खासा फ्लैट का वो भी बना रहे थे कि रेंट पर दे देंगे। देन क्या हुआ, मेरे को आइडिया है, आप देखो ये दीवारें इस तरह से खड़ी है कि इनमें आराम से फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेरे को बहुत लेट आइडिया आया, मुझे बहुत लेट आइडिया आया कि मैं इसमें जिम बना सकता हूँ। तो फादर को मैंने बोला कि आप कुछ दिन के लिए इसको होल्ड पर रख दीजिए, रेंट नहीं आएगा कोई बात। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे जिम बनाना है। अब जिम का क्या है कि जिम के लिए मुझे एरिया चाहिए ज़्यादा, क्योंकि मेरे दिमाग में दोनों चीज़, जैसे मैं दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग, तो मेरा जो दिमाग है वो ये है कि जो बच्चे हैं उनको रेसलिंग का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनको देसी ताकत का कुछ नहीं पता। तो मेरा जो मन है वो ये है कि जब भी मैं जिम बनाऊँ, मेरे जिम के अंदर जिम के इक्विपमेंट्स तो हो ही हो, साथ में देसी अखाड़ा भी हो, अखाड़ा एज इन
मैट वाला अखाड़ा, मिट्टी तो नहीं डाल सकते हैं लेकिन मैट वाले अखाड़े पे कोच रख के प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, बच्चों को सिखाए जा सकते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाया जा सकता है लड़कों को भी लड़कियों को भी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे यूथ के लिए। मेरा जो ड्रीम है जिम बनाने का वो ये है कि जिम के अंदर मशीन्स भी होनी चाहिए, कार्डियो भी होना चाहिए, क्रॉसफिट भी होना चाहिए और साथ में अखाड़े वाली कुछ नॉलेज देने के लिए अखाड़े का एक मैट और कुछ इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। तो ये थर्ड फ्लोर जो है ये इसलिए खाली रखा है, ऊपर वाला फ्लोर भी खाली है, आइए आपको दिखाता हूँ। तो भाई जब चल रहे हैं हमारे फोर्थ फ्लोर पर, ये देखिए मेरे को लेट आइडिया आया कि ऐसा कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा थर्ड फ्लोर। अब जा रहे हैं हमारे फोर्थ फ्लोर पर। फोर्थ फ्लोर आप देखिए, फोर्थ फ्लोर का भी वही हाल है, ये भी बन चुका है, बस इसमें रूम्स बनाने थे लेकिन जैसे मैंने बोला लेट मुझे आइडिया आया। तो अब इसमें क्या है, इसके ऊपर नीचे ये हो सकता है कि मैं पूरा जिम का सेटअप लगा दूं और ऊपर ये हो सकता है कि मैं आधे एरिया में अखाड़े का मैट डाल दूं ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर पाए, पहलवान भी इसे भी जुड़ पाए या जो लोग पहलवानी करना चाहते हैं उनको भी हेल्प हो जाए, और आधे में अखाड़े के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो प्री ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग होती है, उसका सेटअप लगाऊं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फ्लोर। आधे लोगों को लगता है, अच्छा जिन लोगों ने देखा नहीं उनको ये लगता है कि इसमें पूरी बिल्डिंग में फ्लैट है, तो फ्लैट बस दो फ्लोर में है, एक में हम रहते हैं, एक खाली है, और ऊपर वाले फ्लोर में सिर्फ पापा के फ्रेंड, मम्मी की फ्रेंड और संजीव के फ्रेंड्स रहते हैं। अब इसके ऊपर हमारी छत आ जाती है, लेट्स गो, आपको छत भी दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा एरिया, पापा ने मुझे डांटा भी कि साले इतनी मुश्किल से वो बनाया पूरा, आप तेरे चक्कर में सारी दीवारें गिरानी पड़ेंगी। तो मुझे, मैंने बोला ना शुरू में कि मुझे आपसे एक आइडिया लेना, तो मैं आपको बताता हूँ मुझे आइडिया क्या लेना था। लेट्स गो। और ये हमारी छत आ जाती है, और सागर ये हमारी छत आ जाती है, आप देख सकते हैं एरिया कितना है। अगर फ्लोर वाइज भी जिम बनाऊ तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा जिम बनेगा, लेकिन मैं जो आपसे बोल रहा था आइडिया वो ये है, जितना ये एक एक एरिया है ना, जितने में ये हमारी पूरी बिल्डिंग है, वहाँ दोनों में पूरा एरिया है, मतलब इसके जितना एक प्लॉट है और इसी के जितना दूसरा प्लॉट है। तो मेरा जो, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं सारे लोगों से आजकल ये सजेशन मांग रहा हूँ कि जिम जो बनाया जाए वो दो फ्लोर में बनाया जाए, या फिर उस पूरे को तोड़ के उसके ऊपर लेंटर डाल के एक ही फ्लोर पर बनाया जाए, कि जिम भी एक ही फ्लोर पर है और अखाड़ा भी एक ही फ्लोर पर है। अब यहाँ से आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप देखें इधर वाला पूरा एरिया ऐसे है, वो 300 गज है, और इधर वाला एरिया वो 300 गज है, जिसमें हम खड़े हैं ये हमारा 350 गज के आसपास है, मतलब 50 गज का डिफरेंस है, उधर हो जाता है हमारा 600 गज। तो 600 गज क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया मुझे मिल जाएगा, जिसमें कि मैं आधे एरिया में अपना वर्कआउट करवा सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, आधे एरिया में मैं जिम सेटअप कर सकता हूँ और आधे एरिया में मैं अखाड़ा भी सेटअप कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, फुल बॉडी ट्रेनिंग हो जाएगी हर तरह की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने बॉडी तो बना ली लेकिन अंदर से ताकत नहीं है। ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि लड़ाई झगड़े किसी के होने नहीं है, खामा खामे कोई लड़ेगा क्यों। तो कहीं ना कहीं एक 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 मैं लोगों को देना चाहता हूँ वो नॉलेज कि अंदर से भी स्ट्रांग हो, जैसे कि एक पहलवान अंदर से स्ट्रांग होता है, तगड़ा होता है, बॉडी तो है लेकिन अंदर से भी तगड़े, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, अखाड़ा ज्वाइन करके रोज प्रैक्टिस करके उससे हो जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में आपको मुझे एक मैसेज देना है, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके फादर के पास पैसा है, दादा के पास पैसा है, तो ये बहुत बड़ी बनी मरने लगे ना, जिनके फादर के पास पैसा है, जिनके दादा के पास पैसा है, तो उन लोगों के अंदर बहुत अजीब एंट देखी है मैंने, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड देखा है। और कुछ लोगों को ऐसे देखा जो लोग हमेशा रोते रहते कि भैया हमारे पापा गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फादर गरीब हैं दैट डजेंट मीन आप गरीब हो, अगर आपके फादर अमीर हैं दैट डजेंट मीन कि आप अमीर हो। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरे फादर को मेरे दादाजी, मेरे परदादा करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़े गए थे, मेरे फादर सेटिस्फाइड हो सकते थे, ऐंठ में जी सकते थे, लेकिन नहीं, उनको गवारा नहीं था ये चीज़, उनको खुद अपने दम पे कुछ करना था, गांव छोड़ दिया, गांव से 10 रुपये लेके आए थे। मम्मी मेरी स्टोरी बताती है सारी स्ट्रगल की, कि कैसे कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे कैसे यहाँ तक आए हैं, और जितना मैंने आपको दिखाया ये 10% भी नहीं है जितना उन्होंने अपनी मेहनत से किया, दादा की और परदादा की दौलत शौहरत से अलग, ये जो उनका खुद का कमाया हुआ है उसका 10% भी मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे परमिशन मिली नहीं घर से, दिखा सकता था, फादर ने बोला कि इतनी शोशाबाजी की जरूरत नहीं है, और फादर ने मेरे बोला जितना घर, जितने घर में हम रह रहे हैं सिर्फ उतना दिखाओ, ये तो मैंने ज़बरदस्ती दिखा दिया है, अभी जब वो देखेंगे वीडियो तो और डांट पड़ेगी। मानना चाहता हूँ कि अगर आपके फादर गरीब हैं तो आप भी
मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को कुछ बना सकते हैं जैसे मेरे फादर ने बनाया। अब ऐसा नहीं है कि मेरे फादर हैं दैट्स वाई मैं तारीफ़ कर रहा हूँ या शोशाबाजी कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और आज करोड़पति अरबपति बन के बैठे हुए हैं। देखो, अगर घर में कोई भी गरीब है, अम्बानी के बेटे हैं वो ब्रहिज बाप की औलाद है, लेकिन अंबानी के फादर ने या उनके फादर ने किसी ने तो जीरो से शुरू किया होगा ना, तभी तो जाके रईस हुए ना। तो आप जो लोग ये कहते हो कि हम गरीब हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और जो अमीरी की ऐंठ में हैं उन लोगों को चीज़ बता दूँ कि जो भी कमाया आपके फादर ने कमाया, आपके दादा ने कमाया, इसमें एटीट्यूड दिखाने वाली कोई लोड नहीं है। आपकी पहचान वो होती है जो आपने कमाया। अगर मेरे फादर ने दादा की परदादा की प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए होते तो आज किसान होते और उनके बेटे कहलाते, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग से पहचान बनाई। अब इसी चीज़ में इतना कमा लिया कि मेरे को काम करने की ज़रूरत नहीं है, सात पुश्ते मेरी बैठे बैठे खा सकते हैं, इतना रेंट हमारा आता है। अभी ये सेक्टर 12 है प्रताप विहार, इससे भी पहले मतलब कि 12-13 साल पहले हम रहते थे विजयनगर में, विजयनगर सेक्टर 9 में, वहाँ भी एक घर है, वहाँ से भी रेंट आता है। मतलब अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं मेरा भाई बैठे बैठे मेरे सात पुश्ते खा सकते हैं, इतना मेरे फादर ने कमा लिया दादा की और परदादा की प्रॉपर्टी से अलग, वो मिला दे तो और अलग। लेकिन हमें अब ये गवारा नहीं है, ना मुझे ना मेरे बड़े भाई को। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आपके काम में सच्चाई है, आपकी बॉडी से टपकी एक एक पसीने की बूंद फल देती है जब आप मेहनत करते हो सच्ची लगन से ईमानदारी से, तो भगवान भी आपके सामने सर झुकाता है। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे फादर का जो लाइफस्टाइल रहा है वो बहुत सिंपल रहा है। जैसे आज भी आप देख सकते हो, मैंने दिखाई नीचे स्प्लेंडर बाइक, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल रहा है। माँ को सारी दुनिया बोलती है कि माँ ने बच्चों को पैदा किया, बहुत दर्द झेला और बहुत सेक्रीफाइसेस किए, 9 महीने पेट में रखा। तो माँ तो खैर देवी होती है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे जो फादर ने हमारे लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, सारी ज़िंदगी सिंपल लाइफ जी, फटे कपड़े पहने, रोटी एक टाइम खाई, नहीं खाई कुछ पता नहीं, उसके बाद जो मेहनत की हम लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, वो हम लोग भूल जाते हैं। अब क्या होता था कि जब मैं छोटा था ना, अब ऐसा नहीं है कि फादर के पास ठीक ठाक पैसा था, तो हमें बहुत अच्छा लेविश लाइफस्टाइल बचपन से जिया है हमने। मेरे को कॉलेज टाइम तक 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी और 12th क्लास तक मेरे पास साइकिल थी। मेरे सारे दोस्त स्कूटी बाइक से स्कूल आते थे, मैं साइकिल से जाता था। मुझे बहुत शर्म आती थी और मुझे गुस्सा भी आता था, मैं गालियाँ भी देता था मन मन में अपने फादर को, क्योंकि मेच्योरिटी नहीं थी, बच्चा था कि मेरा बाप इतना कंजूस है, इतना पैसा है, फिर भी हमें कुछ नहीं देता 500 रुपये, और स्कूल में मेरी पॉकेट मनी 10 रुपये थी, सोचो। तो कोई भी लोअर मिडिल क्लास का भी अगर बच्चा है तो उसको भी ये इतनी इस तरह की लाइफस्टाइल तो आपके फादर भी आपको दे रहे होंगे कि आपको 10-15 रुपये पॉकेट मनी मिल रही होगी या 500 रुपये पॉकेट मनी मिल रही होगी कॉलेज के टाइम में, तो इसमें कोई वो नहीं है। हमने भी कोई लाइफस्टाइल जी है। अब टाइम है अपने बल पे कुछ करने का, कुछ दिखाने का। तो बचपन में बहुत गुस्सा आता था कि फादर बहुत कंजूस है, कुछ नहीं देते, बाइक नहीं दिलाते, गाड़ी नहीं दिलाते और महंगे महंगे कपड़े नहीं दिलाते। लेकिन अभी जब हम ये सब देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि ये जो फादर ने सिंपल ज़िंदगी जी, हमको सिंपल ज़िंदगी जीना सिखाया, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए सिखाया, और आज वो ही चीज़ हमारे काम आ रही है। अगर मेरे फादर ने पैसे उड़ाए होते, शोशाबाजी की होती, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते जहाँ हम हैं, और हम ये चीज़ सीख भी नहीं पाते उनसे कि सिंपल रहना है और मेहनत से काम करना है, सच्चाई के साथ काम करना है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, माँ तो 9 महीने पेट में रख के पाल लेती है, बच्चे को जन्म दे देती है, और माँ के लिए सारी दुनिया बोलती है माँ 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 माँ, लेकिन फादर्स के लिए हम बोलना भूल जाते हैं हमेशा, थैंक्स करना भूल जाते हैं अपने फादर के हार्ड वर्क को, जो उन्होंने हमारे पैदा होने से लेके हमारे जवान होने तक हर दिन स्ट्रगल किया है हमें अच्छी लाइफ देने के लिए, हमें अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए। उस स्ट्रगल को हम भूल जाते हैं, उस दर्द को हम भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितना प्यार एक माँ करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार एक फादर अपने बच्चों को करता है। तो जितने भी लोग मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने अपने फादर को रिस्पेक्ट करें, अगर गरीब हैं तो भी, अगर अमीर हैं तो भी। कोसें ना कि हमारा लाइफस्टाइल हमारे बाप की वजह से ऐसा नहीं है। जितनी भी वो कोशिश करते हैं, जितना भी उनसे बन पड़ता है, हर फादर अपनी औलाद के लिए करता है, हर फादर अपने बच्चों के लिए करता है। तो मेरी तरफ से तुम सबके फादर को आज मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद एक एक हग करना और उनको थैंक्स बोलना ये ज़िंदगी देने के लिए और जितना भी उनसे बन पड़ा वो करने के लिए। तो भाई यही था वीडियो, और होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो जो रिनोवेशन होगी घर में, मेरे रूम में, नीचे बेसमेंट में लिफ्ट्स लगेंगी, जिम बनेगा,
तो आपको अपडेट कर दूंगा, दिखा दूंगा वो चीज़ें भी। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो अच्छा लगा होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में कोई बिना टक्कर में, बाय।